स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न कोडिंग पे। इस वीडियो में हम पांडास के बारे में देखने जा रहे हैं। पांडास पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो ओपन सोर्स है, जिसे हम डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। पाइथन में ये लाइब्रेरी इसलिए बनाई गई ताकि हम डेटा के साथ एफिशिएंटली वर्क कर सकें। इसमें अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं और ये डेटा को टेबुलर फॉर्म में हमें शो करता है ताकि हम डेटा के साथ इजिली और एफिशिएंटली वर्क कर सकें। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे थियरी में, इसमें दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है डेटा फ्रेम। तो ये सीरीज क्या होता है, यहाँ पे हम थियरी में भी देखेंगे और जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो भी हम इसे इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले चीज सीरीज। सीरीज जो है वो वन डायमेंशनल एरे होता है जो एक सिंगल टाइप का डेटा होल्ड करता है और इसमें सिंगल कॉलम होता है। जैसे कि आपने अगर टेबल देखा होगा तो टेबल में जिस तरीके से एक सिंगल कॉलम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक सिंगल ही कॉलम होगा और उसमें सिंगल टाइप के डेटा होंगे। बट जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें हमारे पास मल्टी डायमेंशनल टाइप के डेटा होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, अलग मल्टी डायमेंशनल एरे होता है और ये हमें टेबुलर फॉर्म में शो करता है। जैसे कि आपने अगर कोई भी टेबल देखा हो तो टेबल में आपको पहले कॉलम दिखता है, फिर वहां पे रो दिखता है, तो ये सेम उसी तरीके से। और यहाँ पे आप एक कॉलम के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप रख सकते हो, बट सीरीज में ऐसा नहीं हो सकता। सीरीज में आपको सिंगल टाइप का ही डेटा रखना पड़ेगा। अब देखिए पांडास जो है ना, वो बहुत वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस और मेथड हमें प्रोवाइड करता है, जिसके लिए जो हम डेटा क्लीनिंग, डेटा फिल्टरिंग, एग्रीगेशन, मर्जिंग, रीशेपिंग और बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। आप पांडास को एज अ डेटा साइंस का ये डेटा साइंस का बेस समझ सकते हो, पांडास, नंपाय और मैटप्लॉटलिब को, कि ये चीजें तो आपको आनी ही चाहिए अगर आपको डेटा के साथ वर्क करना है तो। और पांडास, नंपाय और मैटप्लॉटलिब ये तीनों आपस में इंटीग्रेट भी हो सकते हैं ताकि तीनों एक दूसरे के फीचर्स को एफिशिएंटली यूज कर सके। और हमें पता है कि नंपाय जो है वो सी लैंग्वेज में लिखी गई है और सी लैंग्वेज में लिखने के कारण ये बहुत ही ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। सेम उसी तरीके से पांडा भी है, ये हमें डेटा के साथ वर्क करने में बहुत एफिशिएंटली प्रोवाइड करता है। अब इसमें ऐसा होता है कि एक सीएसवी फाइल क्रिएट होती है, या मतलब अगर आपको पांडास में वर्क करना है तो आपको सीएसवी फाइल चाहिए। आप एक्सेल फाइल के साथ भी वर्क कर सकते हो, आप सीएसवी फाइल के साथ भी वर्क कर सकते हो, या आप टेक्स्ट फाइल के साथ भी वर्क कर सकते हो, बट उसको इंपोर्ट करने का तरीका खाली अलग होता है, बाकी सारे फंक्शन सेम होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये सीएसवी फाइल होती क्या है, तो ये सीएसवी फाइल कुछ नहीं, टेबुलर, जैसे आपने एक्सेल फाइल देखी है सेम उसी तरीके से होती है, बस एक्सेल का एक्सटेंशन एक्सेल एसएक्स होता है, बट हमारी जो सीएसवी फाइल है उसका एक्सटेंशन डॉट सीएसवी होता है। इसमें भी डेटा सेम उसी तरीके से स्टोर होता है। जब हम आगे प्रैक्टिकल कर लेंगे तो हम खुद से हमारी सीएसवी फाइल बनाएंगे, हमारे डेटा से हम हमारी खुद की सीएसवी फाइल बनाएंगे, हम उसे इंपोर्ट करेंगे, उसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, या उससे पहले थोड़ा सा और, कि इसमें हर एक चीज होती क्या। जैसे आपको पता है जो भी स्ट्रेट लाइन में शो कर रही है वो होता है हमारा कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल है वो होता है हमारा रो, या तो आप उसे यहाँ पे इंडेक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि जब हम वर्क करेंगे आगे तो हम देखेंगे कि वो इंडेक्स के तौर पे स्टोर होता है। यहाँ पे अलग अलग डेलिमिटर्स होते हैं, डेलिमिटर्स यानी आपके फाइल अलग अलग चीजों से सेपरेट किए जा सकते हैं, जैसे कि कभी बैक स्लैश टी यानी कि टैब से सेपरेट किया गया हो, कभी कॉमा से सेपरेट किया गया हो, तो वो सारी चीजें आपको फाइल पे डिपेंड करती है कैसे वो सेपरेट किया गया है। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसी फाइल को इंप्लीमेंट कर रहे हो या ऐसी फाइल के साथ वर्क कर रहे हो जिसमें एज अ डेलिमिटर जो है वो बैक स्पेस है यानी कि टैब है, सपोज करिए टैब है, तो आपको बैक स्लैश टी लगाना पड़ेगा उसके लिए, उसको इंपोर्ट करने के लिए। पाइथन की जो पांडास लाइब्रेरी है वो हमें बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम ये सीएसवी फाइल को रीड कर सके, रीराइट कर सके और इसे मैनिपुलेट कर सके। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं हम कि किसने बनाया था इसे। इसे वेस मैकिनी ने बनाया था। अगर नेम में थोड़ा मिस प्रोनाउंस हो रहा है तो माफ कीजिएगा। इसे इनिशियली 2008 में रिलीज किया गया था। और इसका मोटो क्या था, इसका मोटो ये था कि हम पाइथन लैंग्वेज के साथ डेटा मैनिपुलेशन बहुत आसानी से कर सके। जो हमारे डेवलपर थे वो क्वांटिटेटिव एनालिस्ट के रोल पे काम कर रहे थे एक्यूआर कैपिटल मैनेजमेंट में, तो उन्होंने ये पाया कि पाइथन जो है वो डेटा के मैनिपुलेशन में लैग कर रहा है, इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा है। और उसी टाइम पे, और आज भी आर करके एक पॉपुलर लैंग्वेज है जो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज होती है, तो उन्होंने उसको ही ध्यान में रखते हुए पांडास को बनाया। और आज हम सबको पता है कि ये पांडास ने कितना बड़ा गैप फिल किया है और कितने पावरफुल टूल्स हमें प्रोवाइड किए हैं। इंस्टॉलेशन मेथड बहुत सिंपल है, इसे हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। अगर आपको एनवायरमेंट सेटअप करना है तो आप किसी भी आईडी में या आप अपने पावर शेल से भी कर सकते हो। आपको बस ये लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास, और
अगर उसे आपको यूज करना है तो आप तो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई, तो हमें उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट पांडास एसपीडी, ये क्या है अभी घबराइए मत, हम जब इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे तो मैं आपको ये पूरी चीजें अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जिस भी फोल्डर में जाना है आप वहां पर चले जाइए, जैसे कि हमने हमारा पांडास का डेडिकेटेड फोल्डर बना के रखा है, आप यहाँ पे आ जाइए। अब एक चीज का खास ध्यान रखें कि आप आईडी कौन सा यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो आईडी यूज कर रहे हो जुपिटर नोटबुक है, आप किसी भी तरीके का आईडी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जुपिटर नोटबुक आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि बेटर है जुपिटर नोटबुक यूज करने के लिए। तो आपको यहाँ पे जो आपको टैब है ऊपर, वहां पे आ जाना है और वहां पे आपको लिखना है सीएमडी। जैसे आपने ये आपको जिस भी फोल्डर में करना है आप उस फोल्डर में आ जाइए और यहाँ पे आप ये कीजिए, और यहाँ पे उसके बाद आपको लिखना है जुपिटर नोटबुक। जैसे आप लिखेंगे आपका जो जो कोड है लाइन, वो जो कमांड आपका एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा और आपके ये डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन कर देगा। आपको खास ध्यान रखना है कि आपने जुपिटर नोटबुक पहले से इंस्टॉल होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पैथ में पाइथन भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे आ गए, आप देख सकते हो कि इस तरीके से जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बस न्यू पे आ जाना है। जैसे आप न्यू पे आए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पाइथन 3, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे नए टैब में इसे ओपन कर देगा और आ गए हम। ये है हमारा जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस। सबसे पहली चीज आपको करनी है कि यहाँ पे आपको इसका नेम चेंज कर देना है, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं पांडास, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डॉट पाई फाइल नहीं है, ये आपकी डॉट IPYNB फाइल है, मतलब यानी कि इसका एक्सटेंशन जुपिटर नोटबुक का है। पर अगर आपको यही फाइल को आपकी डॉट पीवाई में सेव करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, फाइल में आ जाना है, डाउनलोड एस पे जाना है, और जैसे आप डाउनलोड एस पे जाएंगे यहाँ पे आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पे डॉट पीवाई फाइल दिख रही होगी, आपको इस पे क्लिक कर देना है और ये आपको डॉट पीवाई फाइल आपके जहां पे भी आपने जो स्टोरेज दी होगी वहां पे ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसकी खास बात ये है कि आप अगर शिफ्ट एंटर कर रहे हैं यहाँ पे किसी भी सेल के अंदर, तो वो कमांड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, या तो आप यहाँ पे रन से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप यहाँ पे सेल्स ऊपर नीचे इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप सेल्स को डिलीट भी कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है कि यहाँ पे हमें अलग अलग, मान लीजिए आपको कुछ कोड अलग एग्जीक्यूट करना है, कुछ कोड अलग एग्जीक्यूट करना है, तो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। तो चलिए अब हम हमारा सबसे पहला काम करते हैं पांडास को इंस्टॉल करने का। तो पिप इंस्टॉल पांडास, जैसे हमने ये किया शिफ्ट एंटर, तो आप देख रहे होगे कि जैसे ही जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे स्टार आएगा, और जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे एक नंबर दिखा देगा। तो ये हमारे कोड को भी जब हम बाद में भी रीड करें तो हमें समझने में आसानी होगी कि ठीक है पहले हमने ये कोड एग्जीक्यूट किया था फिर हमने ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे में पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल था, अगर आपने इंस्टॉल नहीं होगा तो वो इंस्टॉल करेगा जो कि कुछ ही टाइम में हो जाएगा। और अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप ये कमांड भी लिख सकते हो पिप इंस्टॉल अपग्रेड, तो जिससे आपका पांडास अपग्रेड हो जाएगा। अब देखिए हमने लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया पर अभी तक हमने उसे इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमें किसी भी लाइब्रेरी को यूज करना है तो हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट पांडास एस पी डी। अब देखिए पहले इसे हम समझते हैं ये है क्या। तो इंपोर्ट पांडास, तो जैसे कि आप समझ गए कि हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, बट एस पी डी क्या है? तो एस पी डी एक एलियास नेम है इसका, यानी कि जब भी हम पांडास के कोई भी फीचर्स या कोई भी मेथड्स को यूज करेंगे तो हमें बार बार पूरा पांडास लिखना नहीं पड़ेगा, उसके यहाँ पे हम पी डी लिख देंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हो बट एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन के हिसाब से हम इसे पी डी ही लिखते हैं। अब दूसरी चीज की यहाँ पे हमें नंपाई की भी बीच बीच में जरूरत पड़ सकती है, तो हम यहाँ पे नंपाई को भी इंपोर्ट कर देते हैं। और अगर आपने हमारा नंपाई का वीडियो नहीं देखा तो हमने इससे पहले नंपाई का भी वीडियो लॉन्च किया है, आप उसे भी जाके देखिए, उसके बाद आप ये देखिए तो ज्यादा आसानी से समझ आएगा, या तो आप डायरेक्ट इसे भी देख सकते हैं इंपोर्ट नंपाई एस एम पी। और अगर आपको ये कोड को एग्जीक्यूट करना है तो शिफ्ट एंटर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी कोड एग्जीक्यूट हो गया। और पता कैसे चलेगा आपको, यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी कोई भी कोड अगर हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है तो। अब हमने इंपोर्ट तो कर लिया, अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। जैसे कि आपने थियरी में देखा था कि हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है, पहला है सीरीज, दूसरा है डेटा फ्रेम। तो पहले हम सीरीज पे काम करेंगे उसके बाद हम डेटा फ्रेम पे काम करेंगे। तो आ जाते हैं हम हमारे यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में और हम पहले सीरीज के साथ काम करेंगे, हम पहले सीरीज में थोड़े ऑपरेशन देखेंगे उसके बाद हम हमारे डेटा फ्रेम में भी ऑपरेशंस देखेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि सीरीज बनाए कैसे।
तो उसके लिए आपको लिखना है एस ई आर इक्वल टू, ये एस ई आर जो है वेरिएबल नेम है, आप कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं, बट यहाँ पे हमें पता चले कि हमारी सीरीज या हमारा डेटा फ्रेम है, इसलिए हमने एस ई आर नाम दिया है। अब देखिए पी डी, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, अगर आप इसे एस पी डी ना लिखे तो आपको पूरा पांडास यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि उससे बेटर है कि हम यहाँ पे पी डी लिख दें। और पी डी में डॉट ऑपरेटर के थ्रू हमने एक फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है सीरीज। अब आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि सीरीज का जो एस है वो आपका कैपिटल रहना चाहिए, आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि सीरीज का जो एस है वो कैपिटल रहना चाहिए। अब यहाँ पे हमने बनाया, अब हमें एक सीरीज बनानी है, और सीरीज हमें पता है एक पर्टिकुलर सिंगल डेटा टाइप की होती है, तो यहाँ पे हम रैंडम फंक्शन का यूज करके कोई भी नंबर की सीरीज बना लेते हैं, जैसे कि एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड। अगर आपको ये रैंडम फंक्शन के बारे में नहीं पता तो आप हमारे नंपाई के वीडियो में भी देख सकते हो, या तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रैंडम, ये नंपाई का एक फंक्शन है, नंपाई का ही एक लाइब्रेरी के अंदर है, अगर आप खाली रैंडम लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, या तो पूरा नंपाई इम्पोर्ट करके ये रैंडम फंक्शन को इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने एनपी लिखा है, सेम यहाँ पे एनपी की तरह, जिससे हमें बताता है कि ये नंपाई के अंदर आता है, नंपाई के अंदर रैंडम में, और रैंडम के अंदर रैंड करके एक फंक्शन है जो हमें प्रोवाइड करेगा रैंडम नंबर की वैल्यूज। अब यहाँ पे हमें देना है कि कितने रोज हमें चाहिए, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 34 दे देता हूँ और शिफ्ट एंटर। देखिए ये अभी हमें कुछ एरर नहीं दे रहा, यानी कि हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, बट हमें कुछ आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा। तो आप अगर आपको आउटपुट देखना है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, या तो आप यहाँ पे भी एस सी आर, आप अल्टर एंटर से भी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और शिफ्ट एंटर से भी। तो आप देख सकते हो ये आ गई हमारे पास, जैसे हमने एस सी आर को प्रिंट किया ये हमारे पास सीरीज आ गई। देखिए यहाँ पे हमारे पास 33 रोज है, क्यों 33 रोज है, क्योंकि जो इसका इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होता है, और इसने हमें एक रैंडम नंबर की सीरीज जनरेट करके दे दी। अब मान लीजिए हमें कैसे पता कि ये सीरीज है, मान लीजिए कि मुझे नहीं पता है कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए कमेंट ऐड कर दिया ताकि आपको बाद में अगर आप कोड देखें तो आपको आसानी हो जाए। क्रिएटिंग सीरीज के, और इस कोड को हम ऊपर ही एग्जीक्यूट कर लेते हैं यहाँ पे, जिसे आप देख सकते हो ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे हमारी सीरीज आ गई। अब मान लीजिए कि मुझे नहीं पता है कि ये क्या है, मान लीजिए किसी ने मुझे दे दिया डायरेक्ट कि ये क्या है बताओ, तो वो मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पे इसको अल्टर एंटर कर देते हैं, और अगर आप शिफ्ट एंटर करोगे तो आपके नेक्स्ट सेल पे जनरेट होगा, और अल्टर एंटर करोगे तो आपके लिए एक न्यू सेल जनरेट कर देगा ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे पता करें कि ये क्या है, ये सीरीज है या डेटा फ्रेम है। तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है टाइप और अंदर आपकी सीरीज का नाम, देखिए पांडास डॉट को डॉट सीरीज डॉट सीरीज। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये हमारा क्या है, एक सीरीज है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। और सीरीज हमने देखा था क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे होता है जिसमें सिंगल टाइप के डेटा होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल टाइप के डेटा नहीं आ सकते, आपको ये बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के डेटा आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं फॉर नोइंग द टाइप ऑफ सीरीज लिख देते हैं। अब ये ऑटो सेव भी होता है और आप कंट्रोल एस से भी इसे सेव कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप कोड लिखते जाते हो आपका ऑटोमेटिकली सेव होते जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे पता नहीं है मेरी सीरीज कितनी लंबी है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें दिख रहा है, बट मान लीजिए कि यहाँ पे मैं अगर 3000 3400 की इतनी बड़ी सीरीज बना दू, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी बड़ी मैंने सीरीज बनाई, तो सीरीज तो बन गई बट ये बीच की लाइन आ गई, तो मेरा स्टार्ट इंडेक्स क्या है, एंडिंग इंडेक्स क्या है, तो वो भी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे हम फॉर नोइंग दी इंडेक्स, या तो आपको कोई बोले कि हमें पता करके दो कि इसमें क्या इंडेक्स है, कितने का गैप है इसके इंडेक्स में, तो वो भी आप पता कर सकते हो। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपके सीरीज का नेम डॉट इंडेक्स। देखिए रेंज इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, स्टॉप हो रहा है 3400 पे, और कितने का गैप है उसमें, 1 का गैप है, जैसे कि आप देख सकते हो 0 1 2 3। और जब भी हमारी जो सीरीज है या डेटा फ्रेम है जब भी बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़े नंबर ऑफ रोज होंगे उसमें या बहुत सारे इंडेक्स होंगे, तो वो ऐसे आपको 3 डॉट के थ्रू यहाँ पे दिखाएगा। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि उसका टाइप क्या है, दूसरा कि यहाँ पे उसके इंडेक्स के बारे में भी हम जान जान सकते हैं।
अब देखते हैं कि इसमें किस तरह की वैल्यू है। यहाँ पे तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी डी टाइप आ गया है, बट आपको अगर नहीं आ रहा ये डी टाइप तो आप यहाँ पे भी ऐसे भी पता कर सकते हैं, str.dtype। जैसे आपने डी टाइप लिखा आप यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे फ्लोट आ गया, तो इसने हमें क्या बता दिया कि हमारी जो सीरीज का जो डेटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट है। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं कमेंट में नोइंग डेटा टाइप सीरीज। अब यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं str.head। अब देखिए यहाँ पे देखिए str.head, तो अब यहाँ से हमारा मेन जो आप बोल सकते हो कि शुरू होता है। देखिए सीरीज के बारे में मुझे जानना है, मान लीजिए कि सीरीज के मुझे कुछ ही एलिमेंट्स चाहिए, तो स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स चाहिए, तो मुझे हेड का यूज करना है। अब हेड है ना बाय डिफॉल्ट हमें 5 5 रोज देता है या 5 इंडेक्स देता है, बट मान लीजिए कि आपको स्टार्टिंग के कुछ 25 चाहिए या 50 चाहिए, मान लीजिए 50 चाहिए, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बस 50 लिख देना है। जैसे आपने 50 लिखा आप देख सकते हो आपके पास 50 रोज आ गए 0 to 49। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि हमें स्टार्टिंग के कितना एलिमेंट चाहिए। अगर हमें जैसे कि हेड, तो हेड यानी स्टार्ट, वैसे ही हमारे पास एंडिंग के लिए भी होता है, तो एंडिंग के लिए होता है हमारे पास टेल। तो यहाँ पे मैं इसे पहले छोटा कर देता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो दोनों का डिफरेंस। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से लेके 4 तक, यहाँ पे भी फॉर नोइंग दी एंडिंग एलिमेंट एलिमेंट। देखिए जैसे कि स्टार्ट के लिए हेड होता है, वैसे ही एंड के लिए क्या होगा, टेल। तो str.tail, और अगर आप यहाँ पे जैसे कि मैंने 5 स्पेसिफाई किया, 5 नहीं भी स्पेसिफाई करेंगे तो भी आपको उतनी ही वैल्यू देगा टेल। और यहाँ पे कितना चाहिए मान लीजिए, यहाँ पे पहले हम बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं। देख सकते हैं आप जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कितने आ गए, लास्ट से 5 आ गए, यानी कि आप देख सकते हो ये मेरे को इसने लास्ट के 5 एलिमेंट्स 5 रोज दे दिए हैं। तो ऐसे आप स्टार्टिंग और लास्ट के एलिमेंट्स का भी पता कर सकते हैं। अब ये तो हुआ हमारी सीरीज की बात, तो अब हम हमारे मेन पे चलते हैं जो हमारा डेटा फ्रेम है, क्योंकि हम जब भी काम करेंगे हम बड़े बड़े डेटा फ्रेम्स के साथ ही काम करेंगे पाइथन में। हमें जब उनको एनालिस करना पड़ेगा, हमें जब उन्हें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो आ जाइए आपके अगले सेल पे। अब आप देख ली यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कैसे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स होंगे, मल्टीपल रोज होंगे, तो वो सारी चीजें आपको कैसे करनी है वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए आप मान लीजिए डेटा फ्रेम बनाना है, तो इसका नाम हम df ही दे देते हैं, df इक्वल टू pd.data। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे f कैपिटल आता है, बहुत बार ये गलती हो जाती है कि हम f को कैपिटल नहीं दिखते तो वो एरर दे देता है। चलिए हम पहले एरर ला के देखते हैं क्या एरर देता है हमें। देखिए अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे रैंडम नंबर के जनरेट करने, तो मैं यहाँ पे np.random.rand, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 500 ले लेते हैं। और मुझे कितने कॉलम चाहिए, मान लीजिए हम कॉलम में रखते हैं अच्छा दिखने के लिए हम 8 रखते हैं, चलिए 8 कॉमा। अब यहाँ पे मुझे इंडेक्स भी देना पड़ेगा, इंडेक्स की भी क्या रेंज होनी चाहिए, तो इंडेक्स np.a रेंज, और कहां तक जाना चाहिए, जितने आपके रोज हो उतने ही आपके इंडेक्स होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने एक गलती की कि हमने यहाँ पे एफ को कैपिटल नहीं रखा है, फिर भी हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या एरर आती है, ताकि हमें पता चले कि इसमें एरर किस तरीके से दिखती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें एरर दे दी कि मॉड्यूल पांडास हैज नो एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे कोई भी डेटा फ्रेम नाम का एट्रीब्यूट नहीं है, असल में डेटा फ्रेम तो है, बट यहाँ पे हमारी स्पेलिंग में क्या है, मिस्टेक है। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि जब भी आप लिखे तो आप यहाँ पे एफ को कैपिटल लिखे, जिसके आप देख सकते हो इसमें हमें कोई एरर नहीं दी। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। आप प्रिंट दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट प्रिंट लिख के अंदर लिख के df लिख सकते हो, या तो आप खाली df भी लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम खाली df लिखते हैं। देखिए यहाँ पे इसने मुझे टोटल 8 कॉलम, जैसे कि इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से हमने पहले दिखा, तो यहाँ से 7 तक इसने मुझे टोटल 8 कॉलम्स के 500 रोज, यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रोज इंटू 8 कॉलम का इसने मुझे एक डेटा फ्रेम दे दिया। अब हम जो भी मैनिपुलेशन देखेंगे इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे, उससे पहले एक कमेंट ऐड कर देते हैं फॉर
क्रिएटिंग दी डेटा फ्रेम, ओके डेटा फ्रेम। अब देखिए यहां पे हमें, जैसे हमने उसका टाइप देखा था वैसे हम इसका भी टाइप चेक कर लेते हैं, फॉर नोइंग दी डेटा टाइप। देखिए डेटा टाइप के लिए हम क्या टाइप कर रहे थे, टाइप और अंदर जो भी हमारी सीरीज हो या डेटा फ्रेम जो भी हो उसका हमें नाम डालना है। देखिए पांडास डॉट कोर डॉट फ्रेम, और ये आ गया हमारा क्या आ गया, डेटा फ्रेम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम के बाद यहाँ पे जो हमारा टाइप आया है वो कैसा आया है, डेटा फ्रेम आया है। अब यहाँ पे एक और चीज है, हम कॉलम्स के बारे में भी जान सकते हैं इसमें, जैसे कि हमने वहां पे उसका स्टार्ट देखा था वैसे यहाँ पे कॉलम्स के भी बारे में हम देख सकते हैं, फॉर नोइंग अबाउट दी कॉलम। कॉलम के बारे में भी हम देख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, df हमारे डेटा फ्रेम का नाम डॉट कॉलम कॉलम्स। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे, जैसे हमने यहाँ पे आपको अगर याद होगा तो हमने यहाँ पे ये इंडेक्स के बारे में देखा था यहाँ पे कि स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स, ऐसे हम कॉलम के भी इंडेक्स के बारे में देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्ट है 0 से, स्टॉप है 8 पे, और ये स्टेप क्या यानी कि एक एक ये बढ़ते जा रहा है, 0 1 2 ऐसे ये एक एक करके इंक्रीज होते जा रहा है। अब मान लीजिए तो मैंने डेटा फ्रेम बनाया, अब इसे मुझे एरे में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए कि मुझे, अब मैंने जैसे एरे का भी हमने यूज पिछले लेक्चर में हमारे देखा था, तो एरे में कन्वर्ट करना है, इतने बड़े डेटा फ्रेम को मुझे एरे में कन्वर्ट करना है। तो अगर मान लीजिए मैं कोई और लैंग्वेज यूज कर रहा होता तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और ये लाइब्रेरी के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है इसमें यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके डेटा फ्रेम का नाम लिखना है df डॉट टू अंडरस्कोर नंपाई करके एक फंक्शन है, जैसे आपने इसे इंप्लीमेंट किया और शिफ्ट एंटर किया, आप देख सकते हो कि आपका जितना भी, आप इसमें कितने बड़े भी डेटा को आप इसमें एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम आप यही काम आपके सीरीज के साथ भी कर सकते हो, और आप ये काम आपके डेटा फ्रेम के साथ भी कर सकते हो। इतना बड़ा एरे हमने तुरंत जस्ट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमने क्रिएट कर दिया। तो ये एडवांटेज है पाइथन के लाइब्रेरीज का, फॉर क्रिएटिंग फॉर कन्वर्टिंग सॉरी फॉर कन्वर्टिंग डेटा फ्रेम कॉमा सीरीज इनटू एरे। ठीक है, अब हो गया ये। अब हमने पहले बात की थी सीएसवी फाइल की, जैसे कि हमने यहाँ पे थियरी में आप देख सकते हो हमने बात की थी हमारी यहाँ पे सीएसवी फाइल की, कि सीएसवी फाइल क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होता है। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे तो डेटा बना दिया, अब ये कहाँ पे स्टोर है, कोई फाइल में क्या स्टोर है। मान लीजिए आपने बहुत सारे डेटा के साथ काम किया और आपने यहाँ पे उसे बनाया, उसको मैनिपुलेट किया, बट आपने उसे स्टोर ही नहीं किया, ये तो यहाँ पे ही है। मान लीजिए आपको किसी और को डेटा प्रोवाइड करना है, वो डेटा सेट किसी और को देना है, तो वो आप कैसे करोगे, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। df डेटा फ्रेम का नाम डॉट टू अंडरस्कोर csv, जिसके आप देख सकते हो, जैसे ध्यान रखना आपको डॉट में टू अंडरस्कोर csv, खाली टू csv नहीं, टू अंडरस्कोर csv, और आपको यहाँ पे आपकी फाइल का नाम देना है जिस नाम से आप अपनी फाइल को स्टोर करना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कोड डॉट csv, एक्सटेंशन भी ध्यान रखना है आपको डॉट csv देना है और स्मॉल में होना चाहिए, शिफ्ट एंटर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूट तो हो गया, बट देखे कहाँ कि हमारी फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। तो आपका जो फोल्डर है आप वहां पे आ जाइए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा फोल्डर है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप कोड डॉट csv करके एक फाइल जनरेट हो गई, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो कोड डॉट csv, और आप जो फोल्डर में काम कर रहे हो वहां पे भी ये जनरेट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई कोड, कुछ एक्सेल फॉर्म में दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बट इसका जो एक्सटेंशन है वो होगा हमारा डॉट csv कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मुझे मेरी फाइल को, इतनी बड़ी एक्सेल फाइल हमने जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फिर से क्रिएट कर दी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे ही मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे स्कूल के रिकॉर्ड है, तो उसे भी आप तुरंत एक्सेल फाइल में इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास टोटल जहां तक हमारा था वहां पे वहां तक हमारे पास ये आ गया। तो ये हमें एडवांटेज प्रोवाइड करता है नंपाई कि हम डेटा के साथ इजिली काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम वो स्टार्टिंग के फंक्शन देखते हैं, हेड और टेल वाले।
यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसा सीरीज में काम कर रहा था। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं, फॉर क्रिएटिंग अ सीरीज फाइल फ्रॉम डेटा फ्रेम। ओके, और यहाँ पे भी हम स्टार्टिंग पोजिशन, और अगर आपके पास नीचे कोई भी सेल नहीं रहेगा और आप शिफ्ट एंटर करोगे तो आपको वो नया सेल जनरेट करके दे देगा, और एंडिंग पोजिशन, स्टार्टिंग पोजिशन एंड एंडिंग पोजिशन। स्टार्टिंग के मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं स्टार्टिंग रिकॉर्ड डाल देते हैं इसमें हम, स्टार्टिंग रिकॉर्ड्स और एंडिंग रिकॉर्ड्स। तो आप जैसे कि देख सकते हो हमने जैसा सेम सीरीज में किया था वैसे हमें यहाँ पे भी करना है। df डॉट हेड, इसने हमें स्टार्टिंग के 5 रोज दे दिए। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो है ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन में वो हमारा कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या हमारा रो है। और यहाँ पे मुझे एंडिंग इंडेक्स चाहिए, तो एंडिंग इंडेक्स में हम क्या करेंगे, df डॉट हेड। आप जैसे कि देख सकते हो, सॉरी df डॉट हेड लिख दिया मैंने, मुझे यहाँ पे टेल लिखना चाहिए था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मुझे लास्ट के इंडेक्स को दे दिया है। समझ आया आपको ये क्या हमने किया, कि यहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग से हम थोड़ा सा डेटा फ्रेम से एक बार देखते हैं। हमने पहले एक डेटा फ्रेम बनाया यहाँ पे रैंडम नंबर्स का, उस पे हमने उसका टाइप और उसके कॉलम के बारे में जाना, फिर हमने उसे एरे में कन्वर्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने उसे एरे में कन्वर्ट किया, और अगली चीज हमने की कि उसे हमने सीएसवी फाइल में कन्वर्ट किया। आप चाहो तो कोई भी सीएसवी फाइल बाहर से किसी भी डेटा सेट को डाउनलोड करके आप उस पर भी वर्क कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे हमारी खुद की बना दी। ठीक है, और यहाँ पे आपने अलग अलग सीएसवी फाइल के साथ वर्क, हमने जो हमारी सीएसवी फाइल है उसके साथ थोड़े बहुत ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए। अब मान लीजिए कि आपको कोई सीएसवी फाइल रीड करनी है, अब मान लीजिए कि आप कहीं और कोड लिख रहे हैं और आपको वो सीएसवी फाइल को रीड करना है, तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी फाइल को जो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने मान लीजिए आपके किसी दोस्त को दी हो सीएसवी फाइल, अब उसे उसे उसमें मैनिपुलेट मैनिपुलेशन करना है तो वो कैसे करेगा, तो यहाँ पे हमें उसके लिए हमारे पास फंक्शन है जो है कि हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाइए, न्यू df नाम दे देते हैं हम इसको, न्यू डेटा फ्रेम। ठीक है, इसमें आपको pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, खास ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे जब हम क्रिएट कर रहे थे तो pd डॉट डेटा फ्रेम था वैसे यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं csv में तो df डॉट टू csv हो जाएगा। पर यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पांडास का यूज करना है। यहाँ पे हमारे आप देख सकते हो हमने डेटा फ्रेम और डॉट csv का यूज करके डायरेक्ट कर दिया, बट हमें यहाँ पे pd लिखना जरूरी है। जैसे हमने pd लिखा और हमारे फाइल का नाम क्या था, कोड डॉट csv, और हम अगर न्यू df को हमारे प्रिंट करें और शिफ्ट एंटर, तो आप देख सकते हो इसने मुझे जो csv फाइल थी उसे रीड करके दे दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक अननेम्ड इंडेक्स आ गया है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इंडेक्स फॉल्स करके भी इसे रीड कर सकते हो, जो हम आगे देखते हैं। आप इंपोर्ट करते टाइम भी आप इंडेक्स फॉल्स कर दो ताकि जब उसे वापिस से एक्सपोर्ट किया जाए तो वापिस से उसमें कोई इंडेक्स ना आए। जैसे कि यहां पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूं, फॉर रीडिंग दी csv फाइल। और आपको खास ध्यान रखना है कि आप जो भी फाइल के साथ वर्क करें, जैसे कि हमने तो यहाँ पे डायरेक्ट कोड csv को लिख लिया, बट मान लीजिए कि आपकी फाइल कोई और फोल्डर में, तो उसका भी आपको खास ध्यान रखना है कि आप एक्सटेंड आप जो पाथ है वो बराबर प्रोवाइड कीजिए। इसलिए इस झंझट से हटने के लिए आप जो भी फाइल के साथ वर्क कर रहे हो वो आपके उसी फोल्डर में मौजूद रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने csv फाइल को रीड कर लिया, अब ये इंडेक्स हमें दिक्कत दे रहा है तो हम इंडेक्स को हटाते हैं, फॉर रिमूविंग द इंडेक्स, तो हम इंडेक्स को रिमूव कर देते हैं किससे, हमारे csv फाइल से। और यहाँ पे हमारी नाम देना है हमें कोड, पहले हम इम्पोर्ट मतलब हमारी फाइल को बना रहे हैं हम, पहले क्या नाम देते हैं हम, इंडेक्स फॉल्स दे देते हैं इसका नाम, इंडेक्स अंडरस्कोर फॉल्स डॉट csv, ये हमने हमारी फाइल का नाम दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको इंडेक्स नहीं चाहिए इसमें, तो आपको क्या करना है, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। जैसे आप ये करोगे और इसे रन करोगे तो ये हमारा रन हो गया,
क्या फाइल का नाम दिया हमने, इंडेक्स अंडरस्कोर फॉल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक और फाइल क्रिएट हो गई जिसमें क्या है, इंडेक्स अंडरस्कोर फॉल्स डॉट CSV। अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमारे फाइल में आ जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास दो फाइल है, एक कोड वाली फाइल है और एक इंडेक्स वाली। हम दोनों को ओपन करके देखते हैं। देखिए कोड वाली फाइल में आपको यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये देखने मिल जाएगा, बट वहीं पे अगर आप इंडेक्स वाली फाइल ओपन करो तो जैसे हमारी इंडेक्स वाली फाइल यहाँ पे देखिए, आपको वैसा कुछ नहीं देखने मिल रहा है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉलम नेम और किसी भी तरीके का इंडेक्स नहीं है। तो आप इस तरीके से इंडेक्स को फॉल्स भी कर सकते हो, यानी कि इंडेक्स को बंद भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम हमारे वापिस से जुपिटर नोटबुक पे। अब उसी इस फाइल को मुझे इंपोर्ट करना है, यानी कि यहाँ पे लाने रीड करना है। तो ये तो सिंपल है, जैसे कि आपको बताया न्यू DF, इसको 2 नाम दे देते हैं, न्यू DF 2 इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और क्या नाम है हमारी फाइल का, इंडेक्स अंडरस्कोर फॉल्स डॉट CSV। देखिए आ गया ये, और हम इसे प्रिंट कर देते हैं न्यू DF 2। जैसे कि आप देख सकते हो जैसे हमने इसे प्रिंट किया, ये हमारे पास इसने हमें जो फाइल है उसको दे दिया, और यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमारे जो इंडेक्स में वो कोई भी गड़बड़ी आ रही नहीं है। तो हम आगे चलते हैं अब, और थोड़े से और फंक्शंस को हम देखते हैं इसमें। तो देखिए अब अगर मान लीजिए कि हमने पहले पढ़ा कि स्टैटिस्टिकल इन कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है, तो किस तरीके से यूज होता है वो हम देखते हैं। हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है, DF। DF को एक बार प्रिंट कर लेते हैं, DF डॉट हेड, स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट, ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, ये आ गया हमारा स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स आ गए। और अब यहाँ पे DF इसमें मुझे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को यूज करना है। तो अब DF डॉट डिस्क्राइब, जैसे आप डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करोगे आप देख सकते हो कि इसने मुझे यहाँ पे सारी चीजें दे दी जो जो मुझे स्टैटिस्टिक्स में यूज हो रहा है, जैसे कि काउंट दे दिया, मीन दे दिया। देखिए काउंट में हमारे पास कितने 500 आ गए, सबका मीन आ गया। आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना कि ये जो स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो इंटीजर फ्लोट यानी जो कैलकुलेट हो सकती है वैसी वैल्यूज, किसी भी स्ट्रिंग तरह की वैल्यू ये सब चीज को कैलकुलेट वो नहीं कर सकेगा। अगर आपकी फाइल में वो सारी चीजें है तो आपको यहाँ पे नल नल या जीरो जीरो देखने मिल सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम 25%, 50%, 75% और मैक्सिमम, ये आप अलग 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 भी कर सकते हो, बट आप इसे डिस्क्राइब के थ्रू साथ में भी कर सकते हो। फॉर स्टेटिस्टिकल कंप्यूटिंग। अब अगला जो है उसे हम दो और चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, LOC और ILOC। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि LOC क्या होता है, ILOC क्या होता है। मान लीजिए कि आपको किसी भी एक स्पेसिफिक जगह की वैल्यू चाहिए, मान लीजिए कि आपको किसी भी स्पेसिफिक जगह की वैल्यू चाहिए, तो वो आप कैसे करोगे, मुझे यही वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू को लाने के लिए आप क्या करोगे, लॉक और आई लॉक का यूज करोगे। तो दोनों में फर्क क्या होता है वो भी हम देखेंगे। फॉर वैल्यू, फॉर नोइंग द वैल्यू एट अ स्पेसिफिक प्लेस, फॉर नोइंग द वैल्यू एट अ स्पेसिफिक प्लेस। जैसे आप ये करोगे, देखिए आपको आपके डेटा फ्रेम का नाम देना है और डॉट LOC। अब LOC पे आपको खास ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, और मान लीजिए कि यहाँ पे हम दे देते हैं 0,2, जस्ट अ सेकेंड, 0,2 और एंटर किया। देखिए 0,5,4,5,7,3,4,2,2। तो देखिए ये वैल्यू हमारी कहाँ है, 0,5,4, देख सकते हैं हमारी वैल्यू क्या है, 0,5,4,7,3,4, 0,2। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो नहीं, बट ये रहा हमारा 0, यानी कि 0th रो में सेकेंड कॉलम में कौन सा, सेकेंड। तो आप देख सकते हो इसने मुझे सेकेंड नंबर की वैल्यू दे दी। यहाँ पे हमें इंडेक्स ये पता नहीं चला कि ये कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है, तो हम इसका कॉलम नेम भी चेंज कर सकते हैं। कॉलम नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉर चेंजिंग दी कॉलम नेम, हम इसका कॉलम नेम भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि DF क्या चेंज करना है, कॉलम्स के नेम, कॉलम्स इक्वल टू लिस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है, देख सकते हो आप कितने कॉलम है, 8 कॉलम है, तो 8 कॉलम को चेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने लिस्ट लिया और A B C D E F G,
आठ हो गए हमारे, तीन तो पांच छह सात, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। हमने हमारे यहाँ पे और शिफ्ट एंटर, जैसे हमने ये किया देख सकते हैं, अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा, बट जैसे हम हमारे डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे, आप देख सकते हो कि जैसे हमने हमारे डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया, इसने मुझे यहाँ पे ये वैल्यू प्रोवाइड करके दे दी, यानी कि मेरे कॉलम का नेम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब हम इस पे प्रोवाइड करते, इस पे लॉग फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमने देखा था कि हमने क्या लिया था, 0,2 लिया था, यानी कि 0,C। तो df डॉट loc, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0, और देखिए यहाँ पे जो ये है, अब ये एक स्ट्रिंग टाइप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी, तो इसे इसमें इसको हमें स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, तो उसे हमें कोट्स में देना पड़ेगा। और जैसे ही हमने किया, कुछ एरर आई नहीं, शिफ्ट एंटर, जैसे कि आप देख सकते हो सेम वही वैल्यू आ गई जो मुझे 0,2 पे मिली थी। यहाँ पे आप ई एफ जो रखना चाहो आप रख सकते हो, और आप शिफ्ट एंटर करो तो आपको एफ की वैल्यू मिल गई। या तो आप यहाँ पे मान लीजिए हम एकदम लास्ट से जाते हैं, 497 पे जाते हैं, देखे तो 497 पे एफ की वैल्यू 497, और एफ की वैल्यू ये रही कुछ इस तरीके से, 0.199388, ठीक है। और ये वैल्यू लंबी बड़ी है क्योंकि फ्लोट वैल्यू, तो यहाँ पे वो वैल्यू हमें दिखा नहीं रहा है, बट जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको प्रॉपर वैल्यू देगा। अब ये तो हो गया लॉग के बारे में, लॉग से पहले अब हम ड्रॉप के बारे में भी देख लेते हैं। ड्रॉप यानी मान लीजिए कि मुझे आई लॉग के बाद, आई लॉग से पहले, या तो पहले आई लॉग नहीं, ड्रॉप पहले देख लेते हैं फिर हम आई लॉग में देखेंगे, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए ड्रॉप आपको मान लीजिए किसी भी कॉलम या रो को आपको ड्रॉप करना है, तो क्या करेंगे आप, आपका डेटा फ्रेम df डॉट ड्रॉप, ड्रॉप फंक्शन का यूज करेंगे। मान लीजिए क्या ड्रॉप करना है मुझे, मुझे कॉलम ड्रॉप करना है, तो कॉलम का नेम क्या है, ए। और आपको खास ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पे दो एक्सिस होते हैं, एक्सिस वन और एक्सिस जीरो। एक्सिस वन जो होता है वो किस लिए होता है, वो हमारे कॉलम के लिए होता है, और एक्सिस जीरो जो होता है वो हमारे किस लिए होता है, वो हमारे रो के लिए होता है। तो सबसे पहले पैरामीटर जो आपको प्रोवाइड करना है, वो आपको प्रोवाइड करना है आपका जो भी आपको डिलीट करना है कॉलम या रो, और दूसरा एक्सिस, कौन सा एक्सिस हमें यहाँ पे डिलीट करना है, मान लीजिए एक्सिस वन से, क्योंकि हम कॉलम डिलीट कर रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पे आपका ए जो है वो गायब हो गया, ठीक है। बट आपको एक बात खास ध्यान रखनी है कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ये हमारे डेटा फ्रेम पे परफॉर्म नहीं हुआ है, ये हमारे व्यू पे परफॉर्म हुआ है, यानी कि जो हमारा जो ये ऑपरेशन हुआ, अगर मैं आपको हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट कर, तो देखिए यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम तो एज इट इज है, ए बी सी डी, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आया। तो अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि एक व्यू होता है, व्यू यानी वो जस्ट हमें उसे शो कर रहा होता है, हम कुछ भी तरह के ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो हमारे मेन डेटा पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अगर हमें मेन डेटा पे रिफ्लेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा डी एफ, यानी कि हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया उसका स्टोर हमें कहाँ करना है, डी एफ में, यानी कि डी एफ में ये ओवरराइड कर देगा। तो जैसे हमने शिफ्ट एफ किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा शिफ्ट एंटर, और ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, और आई थिंक सो ये हमारा ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। हाँ, ड्रॉप स्पेशल लेबल फ्रॉम अ रो कॉलम, आप देख सकते हो यहाँ पे ए नॉट फाउंड इन द एक्सिस, ए एक्सिस में नहीं मिला, तो इसे हम बी कर देते हैं, ए तो हमारा डिलीट हो चुका है, हम बी को भी डिलीट कर देते हैं। तो देखिए बी हमारा डिलीट हो गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आए, और अगर हम इस डी एफ को रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हो ए तो हमारा ऑलरेडी डिलीट हो गया था, और हमने उसे दो बार एग्जीक्यूट कर दिया था इसलिए उसने हमें एरर दी। अब यहाँ पे हमने बी को भी डिलीट कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब बी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आप आपकी किसी भी रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फॉर डिलीटिंग दी रो, सॉरी कॉलम, और हम रो का भी देख लेते हैं, फॉर डिलीटिंग दी कॉलम, कॉलम, ओके। और आप यहाँ पे रो को भी डिलीट कर सकते हो, फॉर डिलीटिंग दी रो, बस आपको रो डिलीट करते टाइम खास ध्यान रखना है कि आपको जो नेम देना है वो आपको रो का देना है, और एक्सिस जो है वो जीरो रखना है। तो फॉर डिलीटिंग दी रो डी एफ इक्वल टू डी एफ डॉट, क्या करना है, ड्रॉप करना है, क्या ड्रॉप करना है, रो ड्रॉप करना है, रो में कौन सा रो ड्रॉप करें, हम जीरो वाला रो ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। 0, एक्सिस कौन सा लेना है, एक्सिस इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने वहां पे वन लिया था क्योंकि कॉलम का एक्सिस वन होता है, रो का एक्सिस क्या होता है, जीरो। जैसे हमने ये किया और डी एफ को हम यहाँ पे प्रिंट करें, तो आप देख सकते हो हमारा जो जीरो नंबर वाला जो कॉलम था वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है।
अब हम चलते हैं हमारे जो हमने एलओसी देखा था, अब हम आई लॉक को भी देखते हैं। अब एलओसी और आई लॉक में फर्क क्या है कि हम यहाँ पे जो एलओसी है उसमें हम नेम पे काम करते हैं, कॉलम के नेम पे या उस मतलब उसके नाम पे काम किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, हमने 0,2 दिया था, इसलिए मैंने नेम चेंज किया ताकि आपको आगे आई लॉक समझने में आसानी हो जाए। उसको हम नहीं देखते, हम इसको देखते हैं। हमारे कॉलम का नेम क्या है, एफ है, और हमारे रो रो का नंबर कौन सा है, या रो का आप नेम भी समझ सकते हो क्या है, 497 है। तो इसने यहाँ पे नेम पे काम किया, बट जो आई लॉक है वो आपके इंडेक्स पे काम करता है। आपको एक खास ध्यान रखना है कि आई लॉक आपके इंडेक्स पे काम करता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं आई लॉक वर्क्स ऑन दी इंडेक्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एलओसी किस पे काम करता है। एलओसी हमारा काम करता है, एलओसी वर्क्स ऑन दी नेम ऑफ दी रो एंड कॉलम। ओके, तो आपको खास ध्यान रखना है कि जो आपका एलओसी है वो आपके रो और कॉलम के नेम पे काम करेगा, और आई लॉक है वो आपके इंडेक्स पे काम करेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी इंडेक्स ले लेता हूँ, df डॉट आई एलओसी, और यहाँ पे मान लीजिए मैं इंडेक्स देता हूँ 1,4। तो देखिए 1,4, तो यहाँ पे हमारा 1 कौन सा है, यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं आप, 91। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स 0,1, तो हमारा वैल्यू क्या आया है, 91596, और 4 नंबर पे, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, और क्या वैल्यू आई है हमारी, 915। ये रही हमारी वैल्यू 915970। 1 मिनट, ये वैल्यू ये हमारी नहीं है, वैल्यू है हमारी, हमारी जो इंडेक्सिंग है इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमने इंडेक्स में डिलीट किया है, हमने स्टार्टिंग के रोज और कॉलम को डिलीट किया है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट में 0,9159 और 4, तो 0,12, 0,14, 9,1, ये हमारा 8 है। यहाँ पे हमें वैल्यू दिखाई नहीं दे रही हमारी, कहाँ चली गई, 91596999। नहीं, हम 0, पहले हम 0,0 लेके देखते हैं जिससे हमें आइडिया आ जाए, 1,0, तो 96 वाली वैल्यू आई हमारी, और 96 या 0,0 लेके देखते हैं, 0,0, तो आप देख सकते हो 0,0 यानी हमारी पहली वैल्यू 62299। हाँ, ये हमारी पहली वैल्यू आई 0,0 पे, और 0,1 ले तो 0,1, तो 0.66। ठीक है, समझ आ गया कि यहाँ पे हमारी जो हम रो है ये 0 से शुरू होता है, और ये इंडेक्सिंग अगर हमने चेंज करी तो हमें ध्यान रखना कि हमारी जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से ही शुरू होगी। तो यहाँ पे 0 यानी कि कौन सा रो, और कॉलम 1, 0, 1, तो यहाँ पे 1 पे कौन सी वैल्यू है, 0.66833, तो हमारी आ गई ये वाली वैल्यू। तो आपको खास ध्यान रखना है कि जो एलओसी है वो आपका नेम पे काम करेगा, और जो आई लॉक है वो आपका इंडेक्स पे काम करेगा। अब मान लीजिए कि मुझे कुछ मैनिपुलेट करना है, मुझे कुछ डेटा को चेंज करना है, तो मैंने आपको पहले बताया कि डेटा फ्रेम में आपके किसी भी टाइप के डेटा हो सकते हैं। यहाँ पे तो हमें नंबर दिख रहा है, मान लीजिए कि मुझे इंटीजर का डेटा फ्रेम दे देना है, तो df, और यहाँ पे चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि आपका जो पहला आएगा वो आएगा आपका रो, सॉरी कॉलम, पहला आपका आएगा कॉलम और दूसरा आएगा आपका रो, कौन से रो में आपको चेंज करना है, तो df, और हम 1 में चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, हम हमारे चैनल का नाम लिख देते हैं लर्न कोडिंग। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमने सी के फर्स्ट पे हमने क्या किया, चेंज किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, लर्न कोडिंग आ गया। ऐसे आप किसी भी अंदर के डेटा को इजीली चेंज कर सकते हो। और अब मैंने आपको बताया था कि जब आप डिस्क्राइब करोगे तो डिस्क्राइब में ये चीज को कैलकुलेट किया जाएगा नहीं, ये बाकी की वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। अब मान लीजिए कि जब मैं किसी भी चीज को ड्रॉप कर रहा हूं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि हम जब ड्रॉप कर रहे थे तो हमें उसको सेव करना पड़ा था ऐसे, पर एक और तरीका है ड्रॉप करने का, डिलीट करने का। ठीक है, वो क्या है, फॉर डिलीटिंग, जिसमें आपको आपके डेटा वापस से आपको आपके जो वैल्यूज है उसके अंदर स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं
df इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम पीछे वाला df डॉट ड्रॉप, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या क्या ड्रॉप करना है, मान लीजिए मेरे को c और d को ड्रॉप करना है, दो को हम एक साथ ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो c कॉमा c वाला रो, और कौन सा रो, दो रो, कौन सा एक्सिस है हमारा, इससे आप ये भी देख सकते हो कि हम मल्टीपल रोज को या मल्टीपल कॉलम्स को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, वन। और आपको यहाँ पे एक और चीज ऐड करनी है जिसका नाम है इन प्लेस। अभी इन प्लेस क्या करता है ना, आपके जो चेंजेस होते हैं ना उसको उसी टाइम मेमोरी में भी रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि आपके ओरिजिनल डेटा सेट में भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दे, बाई डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है, बट आप अगर इसको ट्रू कर दो तो ये हो जाता है डिलीट, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं आपको df खाली प्रिंट करा के दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो c और d भी हमारा डिलीट हो गया, और सिर्फ क्या बचा, e f g h। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये इस तरीके से हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसा पता करना है कि आपकी कोई रो या कोई कॉलम में वैल्यू कहीं नल या कुछ ऐसी तो नहीं है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, df, मान लीजिए मुझे b में चेक करना है, किसमें, b तो है ही नहीं, सॉरी, f और g में से किसी एक में चेक करते हैं, f में चेक करते हैं, कि मुझे f में चेक करना है क्या f में कोई भी नल वैल्यू है, क्योंकि जब नल वैल्यू होती है तो हमारा डेटा सेट जब काम करता है तो हमें रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है कभी कभी। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि क्या मेरे f में नल वैल्यू है, तो आप देख सकते हो इसने मुझे पूरी तरह से दे दिया कि f में कोई भी नल वैल्यू नहीं है, अगर होती तो क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता है, अगर हम f में नल वैल्यू देते हैं तो। तो यहाँ पे एक सेकेंड, सी इंडेक्स हमारा गायब है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमने प्रोवाइड की नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी वैल्यू ना प्रोवाइड करो, आप अगर नल वैल्यू प्रोवाइड कर दो, तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट में वो शो कर सकता है, यहाँ पे हमें नल वैल्यू देनी पड़ेगी ताकि हम नल का चेक कर सके। यहाँ पे एक नल को एक वैल्यू कंसिडर कर ले रहा है। तो अगर आपके किसी भी डेटा सेट में नल वैल्यू है तो आप यहाँ पे इस डॉट इज नल से चेक कर सकते हो, और अगर आपकी किसी भी वैल्यू में कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, एन एन या कुछ ऐसी वैल्यू जो अवेलेबल नहीं है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हो, उसे भी आप ड्रॉप कर सकते हो कुछ इस तरीके से, डी एफ डॉट ड्रॉप एन। तो जैसे आप इसे करोगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू में नॉट अ वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे इसने किसी भी चीज को ड्रॉप किया नहीं, बट आप ये कर सकते हो, आप ड्रॉप कर सकते हो किसी भी जो वैल्यू आपके पास अगर अवेलेबल ना हो। तो ये तो हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया। अब मान लीजिए कि मुझे, जैसे कि मैंने आपको बात किया था स्टार्टिंग में, किसी स्टूडेंट का डेटा फ्रेम बनाना है या टेबल, मतलब मान लीजिए कि स्कूल के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि मुझे इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू बना के दो, तो आप वो बहुत आसानी से कर सकते हो यहाँ पे। उसके लिए हम डिक्शनरी के साथ काम करते हैं। पहले देखिए डिक्शनरी, अगर आपको पाइथन थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा कि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होते हैं, एक की होती है और उसके मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से उसको बनाएंगे नेम। इसके लिए इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे आप अलग अलग वैल्यू के डेटा फ्रेम बना सकते हैं। नेम आ गया, जस्ट अ सेकेंड, नेम, और यहाँ पे कैसे आता है कॉलन। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप देख लीजिए कि डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी मल्टीपल टाइप के वैल्यूज को होल्ड करता है, वो स्ट्रिंग भी होल्ड कर सकता है, इंटीजर भी होल्ड कर सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू वो होल्ड कर सकता है। उसको बनाते कैसे, तो यहाँ पे हम उसके की का नाम देते हैं और यहाँ पे हम उसके डेटा, उसकी जो वैल्यूज होती है उसका नाम देते हैं। तो पहले नेम में हम दे देते हैं, हम नेम रखते हैं स्टार्टिंग में, हम कोई भी नाम दे देते हैं, जॉन, दूसरा नेम रखते हैं हम ट्रूडी, और तीसरा नेम रखते हैं हम बॉब, ठीक है। और यहाँ पे आपको खास जानना है कि आपको कॉमा लगाना नहीं भूलना है अगले वैल्यू को डिफाइन करने से पहले। नेम हो गया, मार्क्स रखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मार्क्स हमें कौन कौन से, आप देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो हमारी स्ट्रिंग थी, पर नीचे वाली मार्क्स वाली वैल्यू तो हमारी स्ट्रिंग नहीं होगी ना, तो हम मार्क्स रख देते हैं 42, 45, 47। अब अगला मान लीजिए हम उनका स्पोर्ट्स रख देते कि कौन सा किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे हम स्पोर्ट्स में इसका नाम रख देते हैं क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी,
ठीक है, ये हमने दे दिया। और हमें लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना नहीं भूलना है। जैसे हम एंटर करेंगे, इसने हमारी डिक्शनरी बनी। अभी तक हमारा कोई भी डेटा फ्रेम नहीं बना है। अब ध्यान रखिएगा कि हमारी क्या बनी है, डिक्शनरी बनी है। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि डेटा फ्रेम से ही सीएसवी फाइल बनेगी। ये आपको ये चीज को सबसे खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने क्या बनाया, अभी डिक्शनरी बनाया, अभी तक हमने डेटा फ्रेम भी नहीं बनाया। क्योंकि जो सीएसवी फाइल बनेगी वो किस चीज से बनेगी, हमारी डेटा फ्रेम से बनेगी। तो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो डीएफ, डीएफ तो हमने ऑलरेडी नाम दे दिया है, इसको हम स्कूल का नाम दे देते हैं। चलिए, स्कूल इक्वल टू पीडी, वही पीडी आएगा, डॉट डेटा फ्रेम। तो आप जैसे कि पहले पता है, हम लोग ने डेटा फ्रेम के अंदर रैंडम वैल्यू ले दी थी। यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर, आर्ग्यूमेंट के तौर पे हमारी डिक्शनरी का नाम। तो हमारी डिक्शनरी का नाम क्या है, डी आई सी डी। तो ये हमें क्या कर देगा, इसने हमें इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हो, ये रहा आपका डेटा आ गया। आप बहुत सारा डेटा ले सकते हो, बट यहाँ पे हमने छोटा सा डेटा लिया है। ठीक है, ये आ गया 012, और यहाँ पे हमारे स्कूल के तौर पे आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे सीएसवी में कन्वर्ट करते हैं। तो सीएसवी में हमें कन्वर्ट करने का पता, हमारे डेटा फ्रेम का नाम स्कूल डॉट टू अंडरस्कोर सी एस वी। और जैसे हमने टू अंडरस्कोर सी एस वी किया, इसको हम नाम देते हैं स्कूल डॉट सी एस वी। और जैसे हमने इसको दिया, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको देखना, सॉरी, सी एस वी फाइल में कन्वर्ट हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्कूल अंडरस्कोर सी एस वी। और यहाँ पे भी आप इसे देख सकते हो, आपकी फाइल में स्कूल की फाइल क्रिएट हो गई है। देखिए, ये रहा। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे इसको इंडेक्स मुझे पसंद नहीं आ रहा इसका, तो मान लीजिए कि मुझे इसके इंडेक्स को फॉल्स करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे df डॉट, सॉरी df नहीं, किसके इंडेक्स को फॉल्स करना है, स्कूल के, SCHOOL स्कूल डॉट, किसमें कन्वर्ट करना है, टू अंडरस्कोर सी एस वी में। क्या हमने इंडेक्स वाला तो देख लिया था ना पहले, बट हाँ इसमें भी देख लेते हैं कि हम जब क्रिएट करें तो अगर हमें इंडेक्स को फॉल्स करना है तो कैसे होगा, टू सी एस वी। ठीक है, और नाम दे देना है हमें, क्या नाम देना है हमारे डेटा, ये फाइल का, स्कूल इंडेक्स फॉल्स, स्कूल अंडरस्कोर इंडेक्स स्कूल फॉल्स नाम दे दिया, और डॉट सी एस वी। और बाई डिफॉल्ट इंडेक्स टू होता है, तो यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। और आप देख सकते हो क्या फाइल का नाम हमारा है, स्कूल इंडेक्स फॉल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूल इंडेक्स फॉल्स करके एक सी एस वी क्रिएट हो गई है। और इसे हम यहाँ पे से भी चेक कर लेते हैं। ये सारे फाइल्स आपको, जो सारे कोड वाली फाइल्स होगी वो आपको मिल जाएगी, ताकि आप इसके साथ एफिशिएंटली काम कर सके। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने हमें क्रिएट करके दे दिया है, नेम आ गया, मार्क्स आ गए, और स्पोर्ट्स आ गया। तो ऐसे ही आप अलग अलग डेटा के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो। और आपको खास ध्यान रखना है कि आप किसी भी चीज को, किसी भी टाइप के वैल्यूज को आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो हमारे लर्न कोडिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका फीडबैक है वो हमें कमेंट में जरूर प्रोवाइड करें।